जीके के नेक्स्ट सेशन मिलते हैं और पहला सवाल सचिन का वो है नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ओस्लो सही है। फिनलैंड की राजधानी क्या है। हेलसिंकी। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा। सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑप्शन दे दें। हाँ। ब्रसेल्स, कैनबेरा, वेलिंगटन, अंकारा। वेलिंगटन। हाँ सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। वीना। इसका हो जाएगा, इसका आंसर होगा ठीक तो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अबू धाबी डैश की राजधानी है। यूनाइटेड अरब अमीरात। सही है। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। दक्षिण कोरिया नहीं, नीदरलैंड होगा इसका। सियोल की राजधानी किसकी है, मतलब सियोल डैश की राजधानी है। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सही है। प्राग जो है डैश की राजधानी है। चेक गणराज्य का। सही है। डेनमार्क की राजधानी क्या है। कोपेनहेगन। ठीक है। माले डैश की राजधानी है। मालदीव का। मालदीव। ठीक है। लंदन डैश की राजधानी है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। सही है। मैड्रिड डैश की राजधानी है। स्पेन। स्पेन। ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पुर्तगाल। हाँ पुर्तगाल का ही ऑप्शन पहला लिस्बन। हाँ। मिन्स्क, वियना और ब्यूनस आयर्स। ये लिस्बन। लिस्बन सही है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। वही ब्यूनस आयर्स। आयर्स। ठीक है। प्योगयांग डैश की राजधानी है। उत्तर कोरिया। शेख गंडा सॉरी उत्तर कोरिया। सही है। म्यांमार की राजधानी क्या है। नेपिदाव, यांगोन, रंगून, थिपू। नेपिदाव। ठीक है। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं। नौ। सही है। जापान की मुद्रा डैश है। जापान येन। येन सही है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर। सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। बहरीन। बहरीन। ठीक है। किस देश को विश्व की कॉफी बाउल कहा जाता है। ब्राजील। ब्राजील। ठीक है। निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं। वेनिस। वेनिस। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को। थाईलैंड। ठीक है। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है। नॉर्वे। नॉर्वे सही है। निम्नलिखित में से किस लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। नॉर्वे को। सही है। लैंड ऑफ द गोल्डन एगोडा किसे कहा जाता है। ऑप्शन म्यांमार, जापान, चीन, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया। म्यांमार। अगला है, नहरों का देश किसे कहते हैं। नहरों पाकिस्तान। पाकिस्तान सही है। लाइन किस देश के बीच की सीमा है। लाइन। हाँ लाइन। पोलैंड और जर्मन। जर्मन। जर्मन पोलैंड का। विश्व के किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। चीन। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किस किन देशों के बीच विवाद है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच। ठीक है। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी भूमिय सीमा किन दो देशों के बीच है। कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए। डैश शहर यांगदीजी नदी के मुहाने पर स्थित है। शंघाई। शंघाई सही है। चाइना। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से देश में बहने वाली नदी नहीं है। नहीं है ऑप्शन। केन्या, मिस्र, अल्जीरिया, तंजानिया। अल्जीरिया सही है। चलते हैं अगला,
एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजी, सिंधु, येनिसी, मेकांग। यांगजी सही है। ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तास ताना झील। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? वोल्गा। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिगारिस नदी के किनारे बसा हुआ है? टिगारिस नदी, हाँ, बगदाद। बगदाद सही है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इजिप्ट सही है। स्वेज नहर किसको मिलाती है? मोहम्मद सागर और लाल सागर को। सही है। डैश जो है चीन का दुख कहा जाता है? टीम हेयन, दूसरा है वार्लुम गो, उसके बाद है हवांग हो, खेलप्लांग। वहांग हो। हवांग हो सही है। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? चीन। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना रूस से। सही है। तो यहाँ हमारा जीके का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।